Subscribe my channel if you like my video, and please press the bell icon to get my every new notification. When the blood is made dull with the act of sport, there should be again to inflame it, and to give satiety a fresh appetite. Loveliness in favour, sympathy in years, manners and beauties. Satiety, Appetite भूख Loveliness खूबसूरती फेवर मेहरबानी blood द ब्लड इज़ मेड डल act ऑफ स्पोर्ट जब मिलने के अमल से दिल बुझ जाए देर शुड बी to inflame इनफ्लेम तो इसे दोबारा बढ़ाना चाहिए एंड टू गिव satiety अ फ्रेश appetite और शिकम सेरी को फिर से ताज़ा भूख दे देनी चाहिए लवलीनेस इन फेवर ख़ूबसूरती को एहसान, यानि मेहरबानी सिंपथी इन ईयर्स हमदर्दी को सालों मैनर्स तौर तरीकों एंड ब्यूटीज़ और हुसन जब मिलने के अमल से दिल बुझ जाएँ तो इसे दोबारा बढ़ाना चाहिए और शिकम सैरी को फिर से ताज़ा बोक, ख़ूबसूरती को एहसान यानि मेहरबानी हमदर्दी को साल तौर तरीके और हुस्न दे देना चाहिए आल ऑफ़ द मोर इज़ डिफेक्टिव इन डिफेक्टिव अधूरा या नामुकम्मल आल विच द मोर इज़ डिफेक्टिव इन इन सब में वो हफ् नामुकम्मल है नाउ फॉर ऑफ दिस रिक्वायर्ड कन्वीनियंस हर हैंडलनेस विल फाइंड इट सेल्फ एब्यूज कन्वीनियंस सहूलियातनेस नज़ाकत नाउ फॉर वाट ऑफ दिस रिक्वायर्ड कन्वीनियंसिस अब इन तमाम मतलूबा सहूलियात को पूरा करने के लिए हर डेलीकेट टेंडरनेस उसकी नरमोनाजुक नजाकत विलफाइंड इट सेल्फ़ एब्यूज अपने आप को नापाक या ना गलत करार पाएगी इन सब में वो हफ्ती नामकम्ल हैं अब इन तमाम सहूलियात को पूरा करने के लिए उसकी नरम नजाकत अपने आप को नाजाइज पाएगी Begin to hate the God, disrelish and abhor the more. Very nature will instruct her in it and compel her to some second choice. Heave, nigla hua kana, God, gehri khai, disrelish, nafrat karahat, abhor, nafrat. बिगिन टू हीट द गॉड्स गहरी खाई में फेंके निकगले हुए खाने की तरह डिस वेलिश एंड ए बहोर द मोल वो इस हफशी से कराहत और नफरत करना शुरू कर देगी वेरी नेचर उसकी अपनी फितरत विल इनस्ट्रक्च हर उसकी रहनुमाई करेगी इसमें एंड कम्पेल हर और उसे मजबूर करेगी टू सम चॉइस किसी दूसरे इंतबाब के लिए गहरी खाई में फेंक के निकले हुए खाने की तरह उस हबशी से एक राहत और नफरत करना शुरू कर देगी वो उसकी अपनी फितरत उसे ऐसा करने की रहनुमाई करेगी और किसी दूसरे इंतखाब के लिए उसे मजबूर करेगी नाउ सर दिस ग्रांटेड एज इट इज़ अ मोस्ट प्रेगनेंट एंड अनफोस्ड पोजिशन एमिनेंट इन द डिग्री ऑफ दिस फॉर्चून एज्योडज नेव वेरी वॉलीबॉल नो फर्दर कॉन्बल दैन इन पुटिंग द मेयर फॉर्म ऑफ सिवल एंड ह्यूमन स्विमिंग वॉलीबल फ़ीं या बतूनी ना सर अब जनाब डिसग्रांड जैसे कि हमने उसे कबूल कर लिया है एज इट इज़ अ मोस्ट प्रेगनेंट एंड अनफोर्स पोजिशन के ये सबसे ज़्यादा माननी खेस और बहुत अला मुकाम है स्टैंड सो एमिनेंट कौन इतना नुमाया हो सकता है इन द डिग्री ऑफ दिस फॉर्चून एज कैसी कैसियो से ज्यादा इस मुकाम का अनेब वेरी वॉलीबल वो एक बहुत ही ज्यादा बतूनी गुलाम है नो फर्दर कॉन्शनेबल देन इन पुटिंग ऑन द मेयर फॉर्म ऑफ सिवल एंड ह्यूमन सेमिंग जो सिर्फ़ ज़ाहरी तौर पर महजब और इंसान दिखाई देता है अब जनाब जैसे कि हमने इसे कबूल कर लिया है कि ये सबसे ज़्यादा मायने खेज और बहुत आला मुकाम है कैसीों से ज़्यादा इस मुक़ाम का हामिल और कौन हो सकता है वो एक बहुत ही ज़्यादा बतूनी गुलाम हैं, जो सिर्फ़ ज़ाहरी तौर पर महजब और इंसान दिखाई देता है फॉल दैटर कम्फन ऑफ़ साल एंड मोस्ट हिडन लूज अफेक्शन वाई वाइनन आ स्लीपर एंड सब चल ने फाइंडर ऑफ ऑफे हिडन लूज सबसे बदतरीन स्लीपर बहकी हुई फॉर द बेटर कंपैक्शन ऑफ इस लूज ऑफ एक्शन अपनी सबसे बदतरीन छुपी हुई लगन बेहतर तौर पर पूरा करने के लिए वायनन वायनन कोई क्यों नहीं है आ स्लिपर एंड सेप्टल ने वो एक बहका हुआ और तेज़ तरार ग़ुलाम है आ फाइनर ऑफ ओकेशंस मौके का मुतलाशी है यानी वो कैसी हो अपनी सबसे बदतरीन छुपी हुई लगन को बेहतर दौर पूरा करने के लिए महजब और इंसान दिखाई देता है वगरना वो एक बहका हुआ और तेज़ तरार ग़ुलाम और मौके का मुतलाशी है That has an eye can stamp and counterfeit advantages. Thou true advantage never present itself a devilish name. Besides, a knave is handsome, young, and have all those requisites in him. Counterfeit, Nakli Abunavati. requisites, sifat. That has an eye, jo aisi hai, can stamp. एनकाउंटर फीट एडवान्टज़ जो नकली और बनावटी मफाद पर महर सब्त कर सकती है दाआट्रू एडवान प्रजेंट इट सेल्फ अगर जो हकीकी मुफाद अपने आप को कभी जाहिर नहीं करता अडेवलिश नैव वो एक शैतान सिफ्त ग़ुलाम है बिसाइड्स इन सब के अलावा द नव इज़ हैंडसम वो ग़ुला हसीन यंग नौजवान एंड आर दोस्ट रिक्वेस्ट इज इन हिम और अपने अंदर वो तमाम सिफात रखता है डेट फॉली एंड ग्रीन माइंड लुक आफ्टर जिनकी अहमद और नाबालिग जहन तलाश में होते हैं अपहेस्ट कम्प्लीट ने विमेन हैथ फाउंड हिम आलरेडी वह एक मोहलक गुलाम है और उस औरत ने उसे पहले ही तलाश कर लिया है वो एक ऐसी आंख रखता है जो नकली और बनावटी मफादा पर मोहर जब्त कर सकती है अगरचे हकीकी मफाद अपने आप को कभी जाहिर नहीं करता यानी हकीकत कभी जाहिर नहीं होती वो एक शितान सिफ्त गुलाम है इन सब के अलावा वो बदमाश हसीन नौजवान और अपने अंदर वो तमाम सिफात रखता है जिनकी अहमक और नाबालिग जहन तलाश में होते हैं वह एक महलक ग़ुलाम है और उस औरत ने उसे पहले ही तलाश कर लिया है रोड्रीगो आई कैन नॉट बिलीव इन हर शी इज़ फुल ऑफ मोस्ट ब्लस्ड कंडीशन रोडरीगो आई कैन नॉट बिलीव इन हर मुझे उस पर यकीन नहीं शी इज़ फुल ऑफ मोस्ट ब्लस्ड कंडीशन वो नहायत खुश वर्म हालत में है रोड्रीगो मुझे उस पर यकीन नहीं वो नहाय खुश वर्म हालत में है अयागो ब्लड दी ड्रिंक इज मेड ग्रेवस इफ शी है मोर ब्लैस्ड फर्डिंग डिडस्ट दॉट सी हर फैरल विद द फॉर्म ऑफ इज हैंड डिडस्ट नॉट मॉक दैट अयागो ब्लैस्ड फिक्स एंड उसकी खुशी बेमायनी है यानी उसकी खुशी कुछ खुश भी नहीं दवाइन शी ड्रिंक्स इज मेड ऑफ ग्रेप्स जो शराब वो पीती है वो अंगूर की बनी हुई है इफ़ शी हैड बीन ब्लेस्ड अगर वो खुश होती शी वुड नेवर हैड लव द मोर तो कभी हफ्ते से मोहब्बत ना करती ब्लेस्ड फडिंग उसकी खुशी कुछ नहीं लिटस दो नाट सी हर फैरल फार्म ऑफ हिज हैंड क्या तुमने उसे उसकी हथेली के साथ खेलते हुए नहीं देखा डिडस नॉट मॉक दैट क्या तुमने उसका जायज़ा नहीं लिया रोड्रीगो मुझे उस पर यकीन नहीं बुन खुश वर्म हालत में है अयागो खुशी वे मायनी है जो शराब वो पीती है वो अंगूर की बनी हुई है अगर वो खुश होती तो कभी हफ् से मोहब्बत ना करती उसकी खुशी कुछ नहीं क्या तुमने उसे उसकी हथेली के साथ खेलते हुए नहीं देखा क्या तुमने उसका जायज़ा नहीं लिया अ थम्स वीडियो इफ़ यू लाइक इट एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू गेट माई एवरी न्यू नोटिफिकेशन एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू